नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है मेरी एक नई रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, जो कि सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। बच्चे बड़े सबको बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी बेसन, एक कटोरी पीसी चीनी, इसको हमने मिक्सी में पीस लिया था चीनी को, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, और हरी इलायची को पीस के हमने पाउडर बना लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स को हमने काट लिया है, कुछ दो तीन बादाम, एक दो पिस्ते, बस यही चीज़ें हैं। आप इसके अलावा जो भी डालना चाहते हैं मेवे में वो आप डाल सकते हैं। इधर हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई, इसमें डाल देंगे घी। इन लड्डुओं को हम शुद्ध घी में बनाएंगे, देसी घी में, जिससे ना ये टेस्ट के साथ में हेल्दी भी रहेंगे। तो टेस्टी हेल्दी लड्डू घर पर बन के तैयार हो जाएंगे। तो घी हमारा देखिए पिघल गया है, अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, देखिए इस तरीके से, और बेसन को डाल के इसको धीमी आंच पे अच्छे से भूनना है, जब तक कि बढ़िया से बेसन हमारा पक ना जाए। कच्चा बेसन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इसको हम धीमी आंच पे भूनेंगे। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया लड्डू बनते हैं ये, लेकिन बस हमें इतना करना है कि फुल आँच पर इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा, फिर लड्डू का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो हमें धीमी आँच पर इसको भूनते रहना है। ये देखिए जैसे गुठलियाँ हो जाती है ना, इसको ऐसे दबाते हुए बढ़िया से भून लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहिए। प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये देखिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि हमें चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है लड्डुओं के लिए, बहुत बढ़िया बहुत जल्दी से बनके तैयार होंगे। जितना भी टाइम लगेगा बस बेसन को भूनने में ही लगता है, क्योंकि धीरे धीरे से भूनना है। तो देखिए कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है हमारे बेसन का। अगर घी आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा एक आधा चम्मच और डाल सकते हैं ऊपर से। ये देखिए कलर हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है, बहुत बढ़िया लड्डू बनके तैयार होते हैं। और अब तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, दिवाली, बहुत सारे त्यौहार शुरू होने वाले हैं, तो आप घर पे इस तरीके से मिठाइयाँ बना सकते हैं। लड्डू है, बेसन की बर्फ़ी है, बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए इस तरीके से इसको दबाते हुए, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, बस इसको ऐसे चलाते रहना है और भून लेना है। ये देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, आप लोग इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं और बहुत सॉफ्ट रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि हम घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध भी रहते हैं, कोई मिलावट नहीं रहती है। तो चाहे जितने आप खाएं, दो चार दस जितनी मर्जी हो उतने आप भी खाएं, बच्चे खाएं, कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही इसको भून लेना है। तो देखिए थोड़ा सा गीला सा हो गया है ना, क्योंकि बेसन जैसे जैसे भूनता जाएगा घी उसमें ऊपर आता जाएगा। अब ये देखिए हमने डाल दिया है इलायची जो हमने पीस के रखी थी, हरी वाली इलायची, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं पसंद है तो फिर ना डालें। वैसे तो इसका इलायची का टेस्ट ना इसमें बहुत अच्छा आता है लड्डू में, तो अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से इसको दबाते हुए भून लेना है। और इसकी आंच को फ्रेंड्स बिल्कुल कम ही रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा, फिर वो जली जली सी महक आने लगती है लड्डू में, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते खाने में। ये देखिए कलर भी कितना चेंज हो गया है और बेसन भी हमारा भून गया है अच्छे से। तो ये देखिए गैस को हमने बंद कर दिया था और बेसन हमारा बिल्कुल ठंडा सा हो गया है। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे कुछ मेवे जो हमने काट के रखे थे, थोड़े इसमें डाल देंगे, थोड़े हम ऊपर से इस पर लगाएंगे, थोड़े से बचा लेंगे इसी में। ये देखिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
से दबाती हूँ इसको अच्छे से, ताकि जो भी गुठली वगैरह होगी बेसन की वो बिल्कुल अच्छे से उसी में मिक्स हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से एक लेयर सी बन जाती है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे सॉफ्ट लड्डू हमारे बनके तैयार होंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं खाने में फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा एक बार। और आज की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना आपको, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ना ज़्यादा ब्राउन ना ज़्यादा लाइट, बस ऐसा ही कलर हमें चाहिए। तो जैसे हमारा बेसन ठंडा हो गया है, बिल्कुल गर्म गर्म में चीनी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो वो एकदम पतला सा हो जाएगा, फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे उसके। और चीनी अभी हमने आधी ही डाली है, अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर से डाल लेंगे इसमें, और तो चीनी इकट्ठे नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मीठा भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप चीनी ले लीजिए। ये देखिए इस तरीके से चीनी को बिल्कुल मिक्स कर देंगे। देखिए अब ये इतना ठंडा हो गया है कि इसको हम हाथ से छू सकते हैं, और चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो हम लड्डू बना के देख लेते हैं। अभी वैसे भी गर्म है फ्रेंड्स ये, क्योंकि बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बन नहीं पाएंगे हमारे, तो थोड़ा गुनगुना ही रखना है इसको। ये देखिए इस तरीके से इसको हाथ से दबाते हुए, बहुत गर्म है अभी, देखिए इस तरीके से दबाते हुए हाथ से बढ़िया से हमें लड्डू बना लेना है। और फ्रेंड्स अगर बिल्कुल ठंडा कर देंगे ना तो फिर लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, तो हल्का गुनगुना ही रखें, हाथ में गर्म ज़रूर लगेगा लेकिन लड्डू बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे लड्डू देखिए हमने बना लिया है, बहुत बढ़िया लड्डू हमारे बनके तैयार हुए हैं, बहुत सॉफ्ट टेस्टी हेल्दी। और अब हम इसको जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे वो लगा देंगे ऊपर से हल्का सा दबाते हुए, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और बताइएगा मुझे कि अगर आपने बनाए हैं तो कैसे लगे, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये देखिए इस तरीके से मेवे आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास में हो या जो भी आपको पसंद हो तो आप वो ले लें। ये देखिए हल्का सा प्रेस कर करके इस पे रखना, नहीं तो गिर जाएंगे सब। और हमारे टेस्टी हेल्दी से लड्डू बनके तैयार हैं, बच्चे बड़े सभी खाएं मज़े से। तो रक्षाबंधन पे इस बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, घर की मिठाई की बात ही अलग होती है फ्रेंड्स। तो शुद्ध देसी घी में हमने बनाए हैं, तो टेस्टी भी हैं हेल्दी भी हैं, और देखने में देखिए कितने अच्छे और सुंदर लग रहे हैं। तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में।